मनदीप गेमिंग 99 में आपका स्वागत है। तो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जैसे कि गाइस आप जानते हैं डार्क मछली का चीट कोड क्या है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ डार्क मछली का चीट कोड। तो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि डार्क मछली का चीट कोड क्या है। कि गाइस आज आप लोग सच में जानना चाहते हो डार्क मछली का चीट कोड क्या है, तो चलो गाइस आज हम आपको बता ही देंगे डार्क मछली का चीट कोड क्या है। तो गाइस आप लोग को हम बताएंगे गाइस वो वाला आपको चीट कोड कहाँ पे मिल जाएगा, जो आपको समुद्र जानते होंगे गाइस आप लोग को हमेशा लोग को समुद्र में जाना होगा जहाँ पे हमारा समुद्र है, यानी जहाँ पर हमारा बहुत सारा बड़ा तालाब है। आपको गाइस हम वहीं पर बताने वाला हूँ डार्क मछली का चीट कोड क्या है, जो कि चीट कोड मिलाने से काफ़ी सारे उसके बच्चे भी आ जाएंगे और साथ में 3 मछलियाँ भी आ जाएगी, और जो कि 3 मछलियाँ आ जाने के बाद वो काफ़ी सारे जंप मारेंगी, ऊपर की तरफ जंप लगाएंगी। तो चलो गाइस आज हम उसी की वीडियो आपकी ही वीडियो में तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए डार्क मछली का चीट कोड। आपको हम डार्क मछली का चीट कोड बताएंगे डार्क मछली का चीट कोड क्या है। और गाइस आपको हम एक काफ़ी गाइस जैसे गाइस आप जानना चाहते हो एम्बुलेंस का चीट कोड क्या है और किस तरीके से उसको हम ड्राइविंग कर पाएंगे, और पुलिस कार का चीट कोड क्या है किस तरीके से उसको हम ड्राइविंग कर पाएंगे, और गाइस जैसे कि आप जानना चाहते हो कि ब्लोरो का चीट कोड क्या है किस तरीके से उसको हम ड्राइविंग कर पाएंगे, न्यू ब्लोरो चीट कोड क्या है उसको हम किस तरीके से ड्राइविंग कर पाएंगे, और सफ़ेद ब्लोरो का चीट कोड क्या है किस तरीके से उसको हम ड्राइविंग कर पाएंगे, न्यू कुत्ते का चीट कोड क्या है किस तरीके से उसको हम ले पाएंगे, और गाइस आप लोग को जानते हो मोस्टल रोल्स रॉयस का चीट कोड क्या है किस तरीके से उसको हम ड्राइविंग कर पाएंगे, पुलिस कार मोस्टल का चीट कोड क्या है उसको हम किस तरीके से ड्राइविंग कर पाएंगे। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैसे कि डार्क मछली का चीट कोड हो जाता है गाइस हमारा, जो कि डार्क मछली का चीट कोड आप लोग को बता देंगे। और फटाफट से गाइस जो आपका न्यू बक्सा का चीट कोड आया है, न्यू बॉक्स का चीट कोड, आप उसका बॉक्स का भी चीट कोड आपको बताने वाले हैं। और गाइस जैसे कि आप जानते ही होंगे उसका चीट कोड क्या है, निंजा भाई का चीट कोड क्या है गाइस, डार्क मछली का चीट कोड आपको बताने वाले हैं, और लंबरगिनी का चीट कोड क्या है, मोस्टल लंबरगिनी का चीट कोड क्या है, मोस्टल फार्चूनर का चीट कोड क्या है, और मोस्टल बुगाटी का चीट कोड क्या है, मोस्टल साइकिल का चीट कोड क्या है, मोस्टल बाइक का चीट कोड क्या है, मोस्टल निंजा बाइक का चीट कोड क्या है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पहले नंबर तो आपके लिए डार्क का चीट कोड, यानी डार्क मछली का चीट कोड को, जो कि आपको देखने में खतरनाक भी लगती है गाइस और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। तो गाइस आपको हम आज बताएंगे कितना खतरनाक है उसके बारे में आज हम आपको सब लोग को सब बताने वाले हैं गाइस। अब गाइस आप लोग को चलो हम बता देते हैं डार्क मछली का चीट कोड क्या है, किस तरीके से उसको हम ला पाएंगे, किस तरीके से चीट कोड उसको हम मिला सकेंगे, और कौन से चीट कोड से वो आ जाएगी। और गाइस आप लोग ट्रेन को हवा में उड़ाना चाहते हो तो आपको लोग उसके हवा में जरूर उड़ा लेंगे। तो गाइस चलो आज हम आपको उसके हवा में उड़ा कर दिखाने वाले हैं, और काफ़ी सारे सामान भी आपको दिखाने वाले हैं गाइस। जैसे कि आप गाइस जाना चाहते हो जो आपकी ट्रेन है मोस्टर ट्रेन किस तरीके से, गाइस मोस्टर ट्रेन का भी चीट कोड आपको बताने वाले हैं। आप लोग मोस्टर ट्रेन के चीट कोड का उसका चीट कोड क्या है किस तरीके से उसको हम मोस्टर कर देंगे, और गाइस आप लोग ट्रेन को हवा में किस तरीके से उड़ा सकते हो उसका चीट कोड क्या है उसको आज हम उड़ा कर दिखाने वाले हैं आपको। चलो गाइस आपको हम फटाफट से उड़ा कर दिखा देंगे अभी तुरंत ही। और गाइस जैसे कि आप जानना चाहते हो कि मोस्टल ट्रेन का चीट कोड क्या है, मोस्टल लंबरगिनी का चीट कोड क्या है, मोस्टल पुलिस कार का चीट कोड क्या है, मोस्टल एम्बुलेंस का चीट कोड क्या है, मोस्टल साइकिल का चीट कोड क्या है, मोस्टल निंजा बाइक का चीट कोड क्या है। और गाइस हम आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ न्यूक्लेटर का भी चीट कोड, ट्रेन के अंदर में किस तरीके से जाएंगे उसका भी चीट कोड। और गाइस आप लोग जानते हो ट्रेन के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा है जो आपके पीछे से दरवाज़ा खुल जाता है, तो गाइस आज हम उसका भी आप लोगों को चीट कोड बताने वाले हैं। और गाइस आप लोग को हम काफ़ी सारे न्यू चीट कोड के बारे में बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी लगता है। चलो गाइस हम इसी वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए डार्क मछली का चीट कोड। गाइस आपको हम डार्क मछली का चीट कोड बताने वाले हैं, और गाइस आप लोग को हम डार्क मछली का चीट कोड तो बता ही देंगे। अब गाइस डार्क मछली का चीट कोड बताने के बाद आप लोग गाइस से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे न्यू चीट कोड आपके लिए आप सबके लिए लेके आया हूँ गाइस। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जो कि एक भी चीट कोड आपसे छूट ना सके। गाइस जैसे कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, जैसे कि आप लोग भाई मुझे एक छोटा सा कमेंट किए थे, और जैसे कि आप लोग 2000 मिलाएंगे तो आपका रोल्स रॉयस कार आ जाता है। चलो गाइस देख लेता हूँ वो गाइस सच में गाइस फाइनली गाइस ये तो
सच्चा चीट कोड है, कोई बात नहीं। चलो गाइस, और भाई एक छोटे भाई ने एक और कमेंट किया था, अगर 03,000 मिलाएंगे तो आपका जो है मोस्टल टार्जन कार आ जाएगा। चलो गाइस देख लेता हूँ मोस्टल टार्जन कार वो हमारा आ जाता है या नहीं। तो चलो गाइस हम मोस्टल टार्जन कार को देखते हैं आता है नहीं। ओ गाइस सच में मोस्टल टार्जन कार आ चुका है, जो कि भाई ने बोला था मोस्टल टार्जन कार आपका आ जाएगा और ये चीट कोड सच्चा है। अभी आपको इस तरीके से हम मोस्टल डार्क मछली का चीट कोड भी बताने वाले हैं। और गाइस एक भाई ने और बोला था अगर आप लोग 01,000 अगर आप डायल करेंगे तो आपका जो है मोस्टल फॉर्चूनर आ सकता है। चलो गाइस ट्राई कर लेते हैं और जो कि हम देख लेते हैं। ओ गाइस ये तो पुलिस कार आ रहा है, क्या बात, वाह 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 गाइस, ये भी अच्छा है चीट कोड ना यार, ये भी चीट कोड अच्छा है जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में स्वीट लगता है, स्माइल भी लगता है, अच्छा भी लगता है। ये गाइस हमारा मोस्टल पुलिस कार का चीट कोड आपको बता दिए हैं और मोस्टल टार्जन कार का चीट कोड आपको बता दिए हैं, काफ़ी सारे न्यू चीट कोड आपको बता देंगे। और गाइस मोस्टल टार्जन कार का चीट कोड क्या है आप जानते ही होंगे, मोस्टल निंजा बाइक का चीट कोड क्या है, मोस्टल साइकिल का चीट कोड क्या है, मोस्टल बाइक का चीट कोड क्या है, मोस्टल ट्रेन का चीट कोड क्या है। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं मोस्टल कलेक्टर का चीट कोड क्या है। गाइस आप लोग कलेक्टर को भी चीट कोड से मोस्टल कर सकते हो, जैसे कि आप जो कलेक्टर है आपके कलेक्टर के पैर में पहिया लगा सकते हो। गाइस आप लोग जैसे पहिया लगा सकते हो, पहिया का भी चीट कोड आपको बताने वाले हैं। और गाइस आपको हम स्लिप करने वाले पैड के बारे में बताने वाले हैं। और गाइस काफ़ी सारे न्यू चीट कोड आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। और गाइस आपके लिए लेकर के आया हूँ निंजा बाइक का चीट कोड क्या, जिससे कि देखो आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाती है। और गाइस आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्टल ट्रेन जो कि न्यू आई है भी जल्दी, जो कि आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। और गाइस आपके लिए लेकर आया हूँ रोल्स रॉयल कार, मोस्टल रोल्स रॉयल कार आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको रेड कलर में देखने को मिल जाती है। मोस्टल टार्जन कार आपको बैगनी कलर में देखने को मिल जाती है। और गाइस आपके लिए लेकर के आया हूँ छोटा सा एक चीट कोड, जैसे कि आप जानते ही होंगे गाइस ऊँट का चीट कोड क्या है, जो कि आपको भूरा कलर में देखने को मिल जाता है। और लायन का चीट कोड क्या है, जो कि आपको भूरा कलर में देखने को मिल जाता है। टाइगर का चीट कोड क्या है, जो कि आपको पीला कलर में देखने को मिल जाता है। और गाइस जो कि आपको हम बताने वाले हैं, जैसे कि आप हाथी का एलिफेंट का चीट कोड जानना चाहते हो, जो कि आपको मटलेल कलर में देखने को मिल जाता है, आप उसका भी चीट कोड आपको बताने वाले हैं, जो कि गाइस अभी जल्दी ही ऐड कर दिया गया इंडियन बाइक थ्री गेम्स में, जल्दी ही ऐड कर दिया गया था गाइस, जो आपको आज हम बताने वाले हैं उसी का चीट कोड ऐड कर दिया गया था, आज हम आपको उसका चीट कोड बताएंगे। और गाइस हम चलेंगे समुंदर पे, जहाँ पे आपको बता सकता हूँ डार्क मछली का चीट कोड। गाइस आप लोग डार्क मछली का चीट कोड सच्चे में जानना चाहते हो तो आपको हम बता ही देंगे डार्क मछली का चीट कोड, जैसे कि हमें जाना होगा समुद्र पर, जहाँ पर मेरा समुद्र है। गाइस हम आपको वहीं पर बता देंगे डार्क मछली का चीट कोड, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा फटाफट से डार्क मछली का चीट कोड क्या है। अब गाइस हम चलते हैं समुद्र पर, जहाँ पर हमारा समुद्र हो जाता है और बस समुद्र के पास हम पहुँचने ही वाले हैं गाइस। ओ गाइस रास्ता छूट गया, चलो गाइस रास्ता पर के चलते हैं, क्योंकि रास्ते से हम चलेंगे तभी पहुंच पाएंगे समुद्र के पास, जहाँ पे हमें समुद्र भी देखने को मिल जाएगा गाइस आपको। चलो हम समुद्र के पास चलते हैं, जहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ डार्क मछली का चीट कोड क्या है और फरारी छोटी तलपैया मछली का चीट कोड क्या है। गाइस मैं आज छर्रे मछली का चीट कोड बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है और मछली भी अच्छी लगती है, डेंजर भी लगती है, ख़तरनाक भी लगती है। और गाइस आपको हम काफ़ी सारे न्यू चीट कोड आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हम पहुंच चुके हैं समुद्र के पास में, आपको समुद्र भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर समुद्र के पास तो हम आ चुके हैं। गाइस आप लोग सोच रहे हो क्योंकि अभी हम आपको बता नहीं रहे हैं समुद्र का मछली का चीट कोड, डार्क मछली का चीट कोड गाइस आपको हम बताएंगे। और गाइस जैसे कि हम जान सकते हो मैंने मोस्टल पुलिस कार को लेके आ चुका हूँ तालाब में, तालाब के अंदर में यानी समुद्र के अंदर में लेकर आ चुका हूँ। और जो कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बाहर भी निकलने वाला हूँ, जो कि मैं बाहर भी निकल चुका हूँ। और गाइस चलो मैं बाहर तो निकल चुका हूँ, ये तो मैं आ चुका हूँ कहाँ पर, जहाँ पर मेरा खजूर का पेड़ हो जाता है। गाइस इधर भी छप्पर है, उधर भी छप्पर है, तो गाइस ये क्या, उधर भी छप्पर इधर भी छप्पर क्या आपको देखने को मिल जाता है, दो दो छप्पर। और जहाँ पे हम घूम रहे हैं गाइस आपको बताने वाला हूँ डार्क मछली का चीट कोड क्या है।
और पुलिस कार का चीट कोड तो आप जानते होंगे गाइस, मोस्टल नंबर गिनी का चीट कोड जानते होंगे गाइस, आप लोग मोस्टल ट्रांजन करके जानते होंगे, मोस्टल साइकिल का चीट कोड बताना है आपको, और निंजा बाइक का चीट कोड क्या उसको भी आपको बताना है गाइस, और निकोटर को किस तरीके से मोस्टल कर सकते हो उसका भी चीट कोड आपको बताने वाला हूँ। और गाइस जो कि इंडियन बाइक थ्री गेम्स में न्यू चीट कोड को ऐड कर दिया गया है, आज हम सबको उसका सब चीट कोड आप लोगों को बता देंगे। मैंने आपको उसका भी चीट कोड बताया था गाइस, आप लोगों को याद ही होगा गाइस, इसलिए आप जानते हैं एलिफेंट का चीट कोड आपको बताया था और मोस्टल नंबर गिनी का चीट कोड तो बता ही दिए थे, और जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, खतरनाक भी लगती है। डाल्क मछली का चीट कोड गाइस, चलो आपको डाल्क मछली का चीट कोड ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत आसान है, डाल्क मछली हम लोग मंगा सकते हैं और गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में, और ज़्यादा कोई उसमें मेहनत नहीं है गाइस, उसको हम लोग मंगा सकते हैं, बस खाली छोटा सा एक चीट कोड तो ही मिलाना गाइस। और गाइस चलो अब आपको हम बताएंगे, दिखा भी देंगे किस तरीके से उसका चीट कोड क्या है और किस तरीके से वो चीट कोड मिल जाएगा आप लोगों को गाइस, आप लोग अगर आप जानना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग को बताऊँगा। और गाइस सियरा में आ चुका हूँ समुद्र के किनारे, जो कि हम मोस्टल कार को चढ़ा चुका हूँ इसके ऊपर, और मोस्टल कार मेरी हल चुकी है तालाब के अंदर में, जो कि मोस्टल पुलिस कार मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है, और मैं मोस्टल पुलिस कार से नीचे की तरफ उतर चुका हूँ, जो कि गाइस मैं समुंदर के किनारे ही खड़ा हूँ, जहाँ पर मेरा बहुत बड़ा समुंदर देखने को मिल जाता है, ना उधर आसपास कहीं घर दिखाई देता है गाइस, इस पार से उस पार आप लोग देख ही नहीं सकते हो क्योंकि बहुत दूर बहुत बड़ा समुंदर है। और गाइस मैं आ चुका हूँ जहाँ पर समुंदर देखने को मिल जाता है, ये रहा वो लेने बैठने वाला, जैसे गाइस आप लोग स्नान कर सकते हो, स्नान करने के बाद यहाँ पर आप लोग लेट सकते हो, ठंडा भी पी सकते हो, काफ़ी देख सारे गाइस आप लोग जैसे काफ़ी सारे यहाँ लोग दारू पीकर फेंक चुके हैं, जो कि बोतल भी पड़ी है बॉटल, चलो गाइस देखते हैं ये बॉटल फूटती या नहीं, ये गाइस बॉटल में कहीं असर भी नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं गाइस, चलो पी के फेंका है कोई बात नहीं, हमसे क्या लेना देना है गाइस, लेकिन छतर में छेद कर सकते हैं गाइस, देख सकते हो आप लोग मैंने छतरी में छेद कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में गाइस, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, ये गाइस कितना ख़तरनाक लग रहा है देखने में, और गाइस आप लोग जानते ही होंगे किस तरीके से हम लोग इसको छेद कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में गाइस, देख सकते हो छतर का मैंने छेद कर दिया, और खड़ी के पैर भी मारने वाले गाइस, देख सकते हो कि एक भी नारियल नहीं गाइस, एक भी नारियल नहीं गिर रहा है इसमें से, चलो गाइस कोई बात नहीं, मैंने छतरी को छेद कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रही है देखने में, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और गाइस ये रहा मेरा, अब चलो आपको बता देता हूँ डार्क मछली का चीट कोड क्या है गाइस, अगर जैसे कि आप लोग को डार्क मछली का चीट कोड तो हम बता ही देंगे, कोई बात नहीं गाइस, आप लोग को एक शर्त रखना होगा, जैसे कि आप जानते होंगे गाइस मोस्टल रोल्स रोल कार, आप तो जानते होंगे गाइस मोस्टल रोल्स रोल कार क्या है और उसका चीट कोड क्या है गाइस, मोस्टल रोल्स रोल कार तो आप जानते होंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी लगती है गाइस, आप लोग उसको जानते होंगे मोस्टल रोल्स रोल कार का, अगर आप लोग गाइस अगर आप लोग कमेंट में गाइस जिसका भी चीट कोड आप लोग जानना जिस भी मछली का चीट कोड आप लोग जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका उसका आप लोगों को उसका चीट कोड बता दूंगा और डार्क मछली का भी चीट कोड बता दूंगा, आप लोग जिसके बारे में कमेंट करेंगे मैं उसका भी चीट कोड बता दूंगा गाइस, अगर आप लोग को जो भी मछली का चीट कोड जानना चाहते हो उस मछली का नाम लिख के मेरे पास भेजिए गाइस, मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग को उसका भी चीट कोड बता दूंगा, आप लोग उसका चीट कोड जानने के बाद उसको ला भी सकते हो आसानी से और बहुत बढ़िया से उसको दाना भी खिला सकते हो गाइस, अगर आप लोग गाइस जैसे कि जानते होंगे गाइस अगर आप लोग मुझे रोल्स रॉयल का गाइस आप लोग मोस्टल रोल्स रॉयल का मुझे कमेंट करके मुझे उसका चीट कोड बता दीजिएगा प्लीज़, मैं आप लोग को बता दूंगा मोस्टल लंबरगिनी का भी चीट कोड और गाइस आप लोग को बता दूंगा डार्क मछली का चीट कोड क्या है गाइस, मुझे आप लोग रोल्स रॉयल मोस्टल रोल्स रॉयल का चीट कोड बताइए कमेंट करके, और गाइस जिसको भी जो भी मछली का चीट कोड पसंद है जो भी जिसको मछली पसंद है गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को उस मछली का चीट कोड बता दूंगा गाइस, जैसे कि आप जानते हो जो आइए अभी जल्दी ही डार्क मछली का चीट कोड गाइस, मैं आप लोग को उसका भी चीट कोड बता दूंगा, मुझे उसका उसके बारे में कमेंट करिए, मैं आप लोग को उसके बारे में तुरंत ही बता दूंगा, आप लोग मुझे रोल्स रॉयल कार का भी चीट कोड बता देना और मैं जिसको जो मछली का चीट कोड पसंद है गाइस मुझे आप लोग कमेंट करिए, मैं इसको तुरंत ही बता दूंगा, चलो गाइस फिर चलता हूँ।